सभासदो माननीय अध्यक्ष जी, welcome you all to the school parliament session, and I hope the session will be fruitful. For the considering session, with oath of affirmation of newly elected members. Members, will take the oath of affirmation, secretary, please. Ms. Srividya, who stands elected from Tirupati constituency of youth parliament, will now take oath or affirmation. Ms. Srividya, please. Ma'am, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Telugu, please. Nenu Srividya Youth Parliament Divya Sabha Sabhyuniga Yennikai Nanduna Chattam Dwara Sthapinchabadina భారత రాజ్యాంగంపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను కలిగి ఉంటానని, నేను సర్వధర్మాధికారిని సమర్థిస్తానని దేవుని పేరు మీద ప్రమాణం చేస్తున్నాను. భారతదేశ సమరజాత నిష్ఠను నెరవేరుస్తాను. జై హింద్. Ms. Kamalpreet Kaur, who stands elected from Jalandhar constituency of Youth Parliament, will now take oath or affirmation. Ms. Kamalpreet Kaur, please. Ma'am, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Punjabi, please. कमलप्रीत कौर यूथ पार्लियामेंट के हेठले सदन के मेंबर चुने जाने के बाद रब दे ना दी सोखानी हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और वफादारी रखांगी, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को कायम रखांगी, जिस फर्ज तो मैं दाखिल होने जा रही हूँ उसको वफादारी नाल निभावांगी. जय हिंद. Honorable members, as we are meeting after 2 months, therefore, it is a sad duty to inform the House about sad demise of former member of 33rd Youth Parliament and former Education Minister of the country, Sri Anand Singh Ji. He passed away on 16 November 2023. He was 71 years old and was admitted in AIIMS Hospital, Delhi, since 10th October 2023. His death is suddenly sad. I express my deepest condolences to his family. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप और सदन के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि से खुद को जोड़ती हूँ. श्री आनंद सिंह जी का हमें छोड़कर चले जाना मेरे लिए अपूर्णीय क्षति और असहनीय पीड़ा का विषय है. श्री सिंह जी स्पष्टवादी, सौम्य तथा अतिज्ञानी व्यक्ति थे. मैं
और मेरे पक्ष के सभी सदस्य उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री सिंह जी के निधन की खबर सुनते ही मैं ही नहीं वरन पूरा देश स्तब्ध रह गया। वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदया, वह आम जनता से जुड़ के राजनीति करते थे। मैं अपने और विपक्ष की ओर से देवांगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। I remove the house to stand in silence for a while to express our deepest sorrow. Om Shanti. Secretary General, will convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Now, on behalf of all ministers, we will introduce the new ministry to the house. Honorable Prime Minister, please. अध्यक्ष महोदया, मैं नए मंत्रियों का आपसे और सदन से परिचय कराना चाहती हूँ। श्री अर्पित पाल, जल शक्ति मंत्री। सुश्री वैशाली, ग्रामीण विकास मंत्री। धन्यवाद। Members, let us move on to the next item in our list of business today. The question is, question number 101. प्रश्न संख्या 101। अध्यक्ष महोदया, क्या खेल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि का पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण क्या है, का क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने की कोई योजना है, और घ यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। धन्यवाद महोदया। The Minister of State of Youth Affairs and Sport, Mr. Pallav Kumar, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। कर से कहा अध्यक्ष महोदया, खेल सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना और उनकी प्रतियोगिताओं को आयोजित करना मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सहायता कर सकती है ताकि खेलों का विकास हो सके। हालांकि खेलो इंडिया प्रतियोगिता देश के ग्रामीण, स्वदेशी एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस योजना के तहत पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल जैसे गटका, थांगता, मलखम, सिलंबम जैसे खेलों की पहचान की जाती है और इन्हें बढ़ावा दिया जाता है। हर साल आयोजित होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में यह खेल Whether decline in child sex ratio has been recorded in some states, union territories during the past years? If so, provide details. B. State if the government has conducted any surveys in the areas, districts where decline in child sex ratio has been recorded. If so, details to be given. Thank you, madam. Minister of Women and Child Development, Ms. Bhumi Patel, please. Honorable Speaker, madam. A. Government is trying its level best to improvise the child sex ratio with many innovative programs. This has led to many positive results in the sex ratio. Many states and UTs have shown considerable results in the sex ratio in recent past years. However, few states and UTs such as Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Orissa, Lakshadweep, Nagaland, Dadra and Nagar Havelis are yet to improve the ratio. B. The last census was conducted in year 2011 and according to the latest available report, an increasing trend of 15 points, I repeat, 15 points have been observed from approximately 913 in the year 2013-15 to approximately 933 in year 2021-22. Thank you, madam. And is there any other question, Mr. Abhijit? No, madam.
The floor is now open for supplementary questions. Yes, Mr. Prabhaswar, please. Speaker, madam, will the minister be pleased to state that whether the government issued necessary guidelines to the states which have not shown any type of improvement in sex ratio, and if so, the details thereof? Thank you, madam. Respected minister, please. Madam, government is making consistent efforts on the Beti Bachao Beti Padhao scheme at all levels to generate awareness to stop sex selection at birth. It also encourages people to support the development and rights of girl child. Also, ministry has written to Ministry of Health and Family Welfare and to the concerned government to take effective steps to address the issue of sex ratio. Thank you, ma'am. Question number 103, Ms. Tamal Aditya, please. Question number 103. Honorable Speaker, madam, with the success of Chandrayaan 3, India became the first country to land on the moon's south pole. It is a proud moment for India, and at the same time, it is also a matter of concern. Respected member, this is a question asked. Could you please come to the question? Yes, madam, with all due respect, is the government aware of the fact that the startups in Indian space sectors are not being encouraged? I want to ask, A, whether the government has taken necessary actions to make Indian space sectors more business-friendly, be it encouraging growth of Indian space sectors, or B, if the FDI investments, B, if yes, the details thereof, if not, the reasons therefore. Thank you, madam. Minister of State of Space, Mr. Agarwal, please. Honorable Speaker, madam, I want to make it clear for my respected colleagues that reforms in the space sector have been undertaken by our government to make it business friendly. One, we have released the Space Policy 2020. Two, several steps have been taken to enable non-government entities, including startups, to take up end-to-end activities in the space sector. Three, the government has come up with several initiatives which have taken care, such as, first, in-space seed fund scheme. Second, ISRO facilities to be offered free of cost or at reasonable price to private sector for potential support. Three, recently, frequent meets, roundtables, national and international industries for potential support. Recently, the government has also approved the Space Policy 2023, which envisages a greater role for private sector across the value chain of space activities. Currently FDI in space sector is permitted under the heading Satellite Establishment and Organizations via the government route up to 100%. Thank you, madam. Any further question, Ms. Tamal Aditya? No, madam. Next question, question number 104, Mr. Engel, please. प्रश्न संख्या 104. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही में देखे गए रुझानों में अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों में पढ़ाई, परीक्षा और नतीजों को लेकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है? खा, यदि हाँ, तो उच्च चिंताओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? धन्यवाद महोदय. हाँ, माननीय सदस्य ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ. सरकार ने उच्च चिंताओं को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं. मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों, परिवार और शिक्षक परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू की. छात्रों तक देशव्यापी पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 844-844-0-63-2 नंबर जारी किया है. सिर्फ ऐसे ही छात्रों को मनोवैज्ञानिक
पुस्तकें प्रदान करता है जो तनाव और चिंताओं के सभी पहलुओं को कम करती है। सीबीएसई ने मानसिक स्वास्थ्य पर बोर्ड फॉर लाइफ नामक एक ऐप भी लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलर एवं विशेष शिक्षक नियुक्त करने का भी सुझाव दिया है। और सदन की जानकारी के लिए मैं बताऊंगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा और एग्जाम वॉरियर्स जैसे कई कार्यक्रम भी शुरू किया है। धन्यवाद महोदया। महोदया, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या छात्रों की भलाई के लिए भावनात्मक साक्षरता अर्थात इमोशनल लिटरेसी को स्कूल के सभी क्रियाकलापों जैसे पाठ्यक्रम औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा? खा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020 जारी किया है जिसमें छात्रों की भावनात्मक साक्षरता के लिए कई रणनीतियों की सिफारिश की गई है। एनईपी 2020 में कल्पना की गई है कि छात्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षा में छात्रों की भावनात्मक साक्षरता के लिए कई रणनीतियां शामिल है। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कल्याण मिशन के तहत स्कूल जाने वाले छात्रों को भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य पर एक पूर्ण मॉड्यूल भी शामिल किया गया। धन्यवाद महोदया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आशुतोष कुमार क्लास पाल प्लीज। प्रश्न संख्या 105। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या संस्कृति नीति यह बताने के लिए बनेगी कि क्या सिर्फ हमारे अनुरूप दवाओं के पद के संबंधित निर्णय पहले नीतियों का दस्तावेज नहीं किए जा रहे हैं, और यदि हाँ तो तब संबंध में क्या है, और हाँ पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और 4 वर्षों द्वारा कितने लोगों को दस्तावेज और अन्य पहले नीतियों को विभिन्न किया गया है? धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे साथी ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से 5.2 मिलियन पांडुलिपियों का संरक्षण किया है, 90 मिलियन फोलियों का डिजिटलीकरण किया है और भारतीय पांडुलिपियों की विरासत के 3.5 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर 1,20,000 पांडुलिपियां अपलोड कर दी हैं, जिनमें से लगभग 70,000 अनुसंधान के लिए सार्वजनिक डोमेन में मिशन पर उपलब्ध है। महोदय, सिद्ध और आयुर्वेदिक पद्धति वाली पांडुलिपियां भी डेटाबेस का हिस्सा है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन पिछले 3 वर्षों से पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण नहीं कर पाया है। हालांकि यह पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण में संपन्न रूप से शामिल हो रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, न चांद की चौहत न तारों की चौहत। माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है, कृपया कल प्रश्न पर आइए। जी महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रही हूँ। न चांद की चौहत न तारों की चौहत, मेरी शादी में प्याज के भजिए और टमाटर की चटनी में दे बस इतनी आ जाए, बस इतनी आ जाए। महोदय, क्या सरकार को यह बता दिया कि हाल ही में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो के भाव के साथ आसमान छू कर आ गए हैं? हमारी घर में तो टमाटर का सेब के साथ अपना बैठना हो गया था, और अब ऐसा लगता है कि यही हालत शायद प्याज का भी होने वाला है। क्या उपभोक्ता मामले के मंत्री हमें इसकी वजह बता सकते हैं? धन्यवाद महोदय। माननीय
माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर की कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मानसून से पहले अत्यधिक तापमान और मानसून का देर से आना था, जबकि भंडार में रखी रबी प्याज खत्म होने और खरीफ प्याज के देर से आने के कारण सप्लाई की हालत खराब है, जिस वजह से प्याज की कीमत में वृद्धि देखी जा रही है। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी प्याज तो कभी टमाटर के साथ होता है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार टमाटर प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने व गरीब लोगों को मूल्य वृद्धि से बचाने में विफल क्यों रह रही है। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने में विफल रही है। सरकार ने समय समय पर कीमतों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कीमत को कम करने के लिए बफर की रिहाई, स्टॉक की निगरानी, व्यापार नीति में बदलाव, कोटा में आया शुल्क में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि शामिल है। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र झांसी की जनसंख्या 7 लाख के आसपास है, जहां 3 केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 2 केंद्रीय विद्यालय रक्षा क्षेत्र एवं 1 केंद्रीय विद्यालय रेलवे विभाग के अंतर्गत संचालित है। सामान्य नागरिकों के लिए यहाँ पर 1 भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। बड़ी मात्रा में माता पिता अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आवेदन भरते हैं, परंतु प्राथमिकता अनुसार सेना व रेलवे की स्कूल होने की वजह से सिविल के बच्चों को कम एडमिशन मिल पाते हैं। अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे झांसी में कम से कम 1 केंद्रीय विद्यालय सामान्य नागरिकों के लिए खुलवाने का कष्ट करें, ताकि मेरे क्षेत्र के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, अ सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हैज बीन कमिटेड बाय अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ दिल्ली व्हाइल कमेंटिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2024 which is approved by the Parliamentary Standing Committee. The paper has attributed dishonest motive. Madam, I request you to allow me to raise a question on this matter now. Ms. Dhani Bhari, in the last thing, surprise me like this. How are you doing in the legislative assembly of images? A copy of newspaper cutting and I shall consider it. I have already given a notice of it at 10:15 a.m. today. The matter will be examined and then I shall let you know my decision. Thank you, ma'am. Papers are left on the table of the house and the Ministry of Railway. Ms. Pujanji, can you hear please? Madam, a bag to lay on the table. A copy of the report on the progress made in the intake of scheduled castes and scheduled tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotions in the railways for the year 2024. Thank you, madam. And the minister of the Ms. Sanjana, please. Madam, I would like to lay on the table a copy of report on the annual report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2023 to 2024, along with audited accounts and comments of the controller and auditor general, Devran. Thank you, madam. Secretary General to report the message from the upper chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following messages received from the Secretary General of the upper chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of the procedure and conduct of business in the upper chamber of the Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Constitution 128th Amendment Bill or the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which has been passed by the upper chamber at its sitting held on 21st September 2023. Secretary, will you table a copy of the bill as passed by the upper chamber of the Parliament? Madam, I lay on the table the Constitution 128th Amendment Bill, which has been passed by the upper chamber of the Youth Parliament. Secretary General, to lay on the table the 9 bills passed by the upper chamber of Youth Parliament during the last session.
item on a sanitary bag that was given. Yes, madam. Honorable members, I have to make an announcement on my behalf and on the behalf of honorable members of the House. I have a great pleasure in extending a warm welcome to Her Excellency Mrs. Randy Martin, the Speaker of British Youth Parliament, and Mr. Lee Agassiz and Ms. Joy Mary, Deputy Speaker of British Youth Parliamentary Delegation, who are on a visit to India as our honored guest. It is a highly powered delegation. The delegation arrived on 22nd February 2024 for a 5-day visit on the invitation of Youth Parliament of India. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and very best wishes to them, to the British government of Britain, and the member of Youth Parliament and friendly people of Britain. Now, let us take the call of attention motion. Ms. Jagdeep to be ready to call the attention of the Minister of Education. Maninya Adhyaksh Mahadaya, hum sab jante hain, desh ki ek sanskritik rajdhani hai. वाराणसी जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ गंगा को साक्षी मानकर अपनी मनोकामना के साथ चढ़ावा लेकर मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। देश की एक और राजधानी है कोटा, कोचिंग सेंटर की राजधानी। यहाँ पर भी हर वर्ष लाखों छात्र अपने अपने जीवन की पट कथा लिखने एवं उज्जवल भविष्य की मनोकामना के साथ सवा लाख का चढ़ावा लेकर शिक्षा के मंदिरों में जाते हैं। महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि इस शहर में इस वर्ष 26 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। अब कौन जानता है कि जब ये सभा खत्म होगी तब तक यह आंकड़ा बढ़कर 27 का हो गया हो। यह बेहद एक गंभीर विषय है। मैं इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री प्रांशिका सिंह जी प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस मामले की गंभीरता को मैं समझती हूँ। हमारी सरकार कोटा में हो रही दुखद घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमने प्रसिद्ध शिक्षाविदों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय मीटिंग्स भी ली हैं तथा राजस्थान सरकार, कोटा के स्थानीय प्रशासन, कोचिंग सेंटर्स के मालिकों, शिक्षकों इत्यादि से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। धन्यवाद महोदय। मिस जागृति द्विवेदी प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले महीने अखबारों में कुछ हेडलाइंस मैं आपको सुनाना चाहूंगी, गौर कीजिएगा। कोटा में अगस्त महीने में 6 स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। कोटा में छठे माले से कूदकर एक और छात्र ने दी जान। 8 महीने में 25 कोटा में एक और स्टूडेंट ने दी जान। कोटा में 24 घंटे में 2 और छात्रों ने की सुसाइड। अगर इस सदन को यह खबरें सिर्फ हेडलाइंस दिखनी है तो आप गलत हैं। यह देश के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि वह कोई ठोस कदम उठाए जिससे देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद महोदय। मिस सृष्टि पारल जी प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जागृति जी ने जो हेडलाइंस पढ़कर सदन को सुनाया है, मुझे लगता है कि उसने आप सभी की आत्मा को झकझोर दिया होगा। देश की आजादी के अमृतकाल में कोटा शहर अपने विषकाल को भोग रहा है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना दिखाने वाले इस ड्रीम फैक्ट्री के बच्चों के तनाव और असफलता को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। महोदय, मैं 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करूंगी कि गले में लग रहे फंदे की कहानी कौन सुने, गले में लग रहे फंदे की कहानी कौन सुने, रातें रो रो कर कट रही है जुबानी कौन सुने। कहीं अपने ही तो जिम्मेदार ना इस कहानी के
कहीं अपने ही तो जिम्मेदार ना हो इस कहानी के, जो बच्चे बचे इस शहर में उनकी परेशानी कौन सुने, उनकी परेशानी कौन सुने। धन्यवाद महोदय। मिस सौम्या श्रीवास्तव जी प्लीज। यहाँ हर शख्स हर पर हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पर हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का परा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों को देखकर दुनिया में बड़ा होने से डरता है, बड़ा होने से डरता है। महोदय तथ्य और आंकड़े हम सभी को मालूम है, प्रश्न यह है कि हम इन आत्महत्याओं के बारे में कितने गंभीर हैं। क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे? सरकार द्वारा कोटा और इसके जैसे और शहरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के तनाव एवं आत्महत्या जैसे कदम को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? आगे इन मामलों को कम कैसे किया जा सकता है या रोका कैसे जा सकता है? धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, भारत के कोचिंग हब के रूप में जाना जाने वाला कोटा अपनी छात्र आबादी के बीच आत्महत्याओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। शिक्षा मंत्री होने के रूप में मैं स्थिति की गंभीरता और इससे हमारे नागरिकों को होने वाली पीड़ा को समझती हूँ। खोई हुई प्रत्येक जान एक गहरी त्रासदी है और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों और दोस्तों के साथ जुड़ी हुई है जो हृदय विदारक घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार हमारी युवाओं की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। हमने छात्रों विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के सामने आने वाले तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें कोटा और अन्य शैक्षिक केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकों की स्थापना सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ये क्लिनिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझने वाले छात्रों को पेशेवर परामर्श और सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही माता पिता और शिक्षकों को संकट के संकेतों को पहचानने और संबोधित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। महोदया, मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और अभिभावकों सहित सभी हितधारकों से यह आग्रह करती हूँ कि वे ऐसे माहौल को बढ़ावा देने का प्रयास करें जहाँ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए मदद मांगने वाले लोगों को कलंकित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया जाए। महोदय, इसके अलावा प्रत्येक बुधवार को कोचिंग सेंटर्स आधे दिन पढ़ाई और आधे दिन मौज मस्ती करेंगे। इसके अलावा अगले दो दिनों तक नियमित रूप से कोई भी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। और कोटा में आत्महत्या का मुद्दा एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की गंभीर याद दिलाता है। हमारी सरकार इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिष्ठित सदन के समर्थन और हमारे नागरिकों के समर्थन के साथ हम एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जहां कोई भी युवा अपने जीवन को इतना बोझल महसूस न करे कि वह आशा ही खो दे। महोदय, इसके साथ मैं युवाओं के लिए दो पंक्तियां रखना चाहूंगी। कथानक ज्ञान समझे तो सिर भित छंद हो जाए, कथानक ज्ञान समझे तो सिर भित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मतरंग हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये सब मांगता तुझसे, युवा तेरे समय करके विवेकानंद हो जाए। Mr. Matisau, once again, a German worker, Mr. Matisau, please ask for the leave of the house. Honorable Speaker Madam, now I have the investigation agency of the country raid and arrest the huge number of citizens in the tax related case. This act of the agency seems politically motivated and deserves immediate discussion in the house.
Hence, I beg for leave to move adjournment motion. Thank you, madam. The question is that, leave to be granted to the member to move the adjournment motion. Those who are in favor, please stand up. Since less than 1/10 of the members are in favor, hence honorable member does not have leave of the house to move the adjournment motion. The adjournment motion is dropped. Now, we will take a decision under Rule 193. Mr. Govindas, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध के खबरें आ रही हैं। उनके उजाले में अत्याचार किया जा रहा है। सरकार देश की महिलाओं की सुरक्षा का दावा तो करती है और इस तरह पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार फेल क्यों हो रही है? ये सिर्फ लाखों का प्रश्न नहीं बल्कि लाखों महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बहुत खुश होते हैं कि हम चांद पर सुरक्षित पहुंच गए हैं, पर महोदय इसका क्या फायदा जब हम 6 बजे के बाद घर से बाहर अपनी लड़कियों को सुरक्षित ही नहीं रख सकते। महोदय आज भी आजादी के 75 सालों के बाद जब देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, आज भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 6 बजे के बाद आधी आजादी कर्फ्यू में चली जाती है, क्या यह हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं जानना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है। Honorable Speaker Madam, according to the government data, 30% of the women in India are subjected to physical and sexual violence. According to NCRB, in India, all the way from 2-month-year-old to 90-year-old women are raped officially and unofficially via Lebanon. Madam, does the Honorable Home Minister know her responsibilities toward the nation? Why has the government not faced the nation yet on this issue? Thank you, Madam. Honorable Home Minister, Ms. Anshita Saxena, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन घटनाओं पर विपक्ष आज इतनी चिंता जता रहा है वह घटनाएं तो तब भी हो रही थी जब इनकी सरकार थी, लेकिन लेकिन पिछली सरकारों की तरह हमारी सरकार केवल चिंता नहीं कर रही बल्कि हमने कई कदम उठाए हैं जिससे महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और विकास पर सिर्फ 2023 में ही मंत्रालय ने 25,449 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैडम, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि NCRB डाटा के अनुसार हमारी सरकार आने के बाद महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में 30% की कमी आई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जो महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं उससे भी मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ। पहला 112 आपातकाल नंबर, दूसरा सभी पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क, तीसरा 3 पुलिस बूथ और 3 पेट्रोलिंग, चौथा मिशन शक्ति योजना इत्यादि। धन्यवाद महोदय। Now let us take our legislative business. We'll start with the introduction of the bill. Honorable Minister of Agriculture and Farm Welfare, Ms. Dina Rana, to introduce the bill. Honorable Speaker Madam, I beg to move for leave to introduce the bill to introduce agriculture curriculum in National Education Policy 2020. The question is, the leave be granted to introduce National Agriculture Curriculum and National Education Policy 2020. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Madam, I introduce the bill. Now, the House will be taken up consideration of the Population Control Bill 2024. Minister of Health and Family Welfare, Ms. Shruti Yadav ji, please. Honorable Speaker Madam, I beg to move the Population Control Bill 2024 be taken into consideration.
Madam, this bill will ensure disincentive and punitive provisions for the population stability of the country under Depopulation Control Act. Madam, from time to time, Honorable Supreme Court has directed the central government to frame rules, regulations and guidelines to effectively mitigate the problem of overpopulation. I call upon the Honorable Members of the House to openly give their suggestions in this national discussion. To solve the national problem, they should rise above party sentiments and help us pass this bill. Certain features of some of the important provisions of the bill are as follows. This act shall be applicable only to the married couples where the boy is not less than 21 years of age and the girl is not less than 18 years of age. Second, the government shall set up district population stabilization committee in 100 districts with the recorded highest population growth rate. Third, the government shall give preference to the single child for admission in institutes of higher education. Fourth, the government shall provide preference to the single child for selection in government jobs. Fifth, in the case of a married couple, both the husband and the wife who have more than two children shall be debarred from A. contesting in Lok Sabha, state legislature and panchayat elections. B. getting any promotion in government services. C. applying to government jobs under the central and state government. D. receiving any kind of government subsidy. Lastly, the government shall introduce a compulsory subject in all senior secondary schools relating to population control. Thank you, madam. Motion moved that the Population Control Bill 2024 for controlling the overpopulation in the country be taken into consideration. Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, is the House of the Peace. Honorable Speaker, Madam, I rise to support the bill. Madam, in 1952, India was the first country in the world which had implemented the policy of family planning as a national program to control its population growth. Main reasons for the implementation of this policy were to enhance national economy and to control other challenges like poverty, starvation, malnutrition, etc. But even in 2024, maximum poor of the world lives in India. Even today, India is ranked down among the developing countries in terms of health services, malnutrition, child death rate, maternal death rate, etc. As per the latest report of United Nations, India has the highest population in the world. In the last 100 years, where the world population growth rate shows 3 times increase, India's population growth rate shows 6-fold increase. This shows the failure of first population policy. If this population control bill is not passed today, then we shall feel shameful to present and our coming generation. Now, I would like to wind up my speech with two lines appropriate for the situation. Bina soche samjhe is kadar. Bina soche samjhe is kadar jo jansankhya ko badhaoge, to ek din bina bhojan aur pani ke mar jaoge. Thank you, madam. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार की मंशा वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण में है ही नहीं, बल्कि इस बिल के माध्यम से सरकार ने आम लोगों के निजता के अधिकार को हरण करने का विचार बना लिया है। यह कब से निर्धारित हो गया कि देश के नागरिकों के प्रजनन के अधिकार को सरकार नामक संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाए? क्या सरकार यह तय करेगी कि कब बच्चे पैदा करने हैं और कितने बच्चे पैदा करने हैं? महोदय, मैं तो सरकार से कहती हूँ कि जनसंख्या बिल के चक्कर में पड़े हो क्यों? जनसंख्या बिल के चक्कर में पड़े हो क्यों? मास्टर स्ट्रोक बताती हूँ, विश्वास कीजिए, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बच्चे पैदा होने पर भी जीएसटी लगा दीजिए, जीएसटी लगा दीजिए। महोदय, यह बिल हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद 16 में दिए गए
नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता तथा अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का भी हनन करती है। अतः महोदया, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदया। मिस सोनिया प्लीज। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। महोदया, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत को पूरा देश समझता है। अपना देश छोड़िए, यह कितनी बड़ी समस्या है यह विश्व स्तरीय किसी भी संगठन की रिपोर्ट को पढ़ने पर भी समझ आ जाता है। सिर्फ विपक्ष को ही यह समस्या समस्या नहीं लग रही है। महोदया, सन 88 में एक फिल्म आई थी तेजाब, उसका एक गाना था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। महोदया, विपक्ष चाहता है कि हर परिवार में इतने ही बच्चे हो, क्योंकि अगर दो बच्चे होंगे तो पढ़ जाएंगे, सीढ़ी तरक्की की चढ़ जाएंगे, फिर बहु रानी में कौन आएगा, नारे वारे का लगवाएगा, अरे होगा कैसे, अरे कैसे होगा, अरे होगा कैसे, इलेक्शन में प्रचार आजा पिया आई बाहर। अधिक जनसंख्या का यही एक फायदा मुझे समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। महोदया, एक अनुमान के अनुसार सन 2025 तक भारत की कुल आबादी 150 करोड़ हो जाएगी। आज विश्व के समस्त गरीब जनसंख्या का एक तिहाई भाग सिर्फ भारत में है। अब बाल कुपोषण के मामले में भारत पाकिस्तान व बांग्लादेश से भी बदतर हालात ही है। अगर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है तो जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रित किया जाए। यह कानून हमारे देश को विकसित बनाने व यह कानून हमारे देश को विकसित बनाने में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धन्यवाद महोदय। लीडर ऑफ अपोजिशन जी। अध्यक्ष महोदया, इस कानून से सरकार की महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है। भारत में ये प्रथा वर्षों से रही है कि लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। मैडम, आप गलत बोल रही हैं। महोदया, मेरी बात का विरोध करने वालों को हमारे देश के लिंग अनुपात पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। हमारे देश के लिंग अनुपात जो ये जल लिंग जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होने से हमारे देश में लिंग आधारित गर्भपात जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं और इससे हमारे देश में लिंग अनुपात में कमी आएगी। महोदया, मैं इस नीति का पूर्णतः विरोध करती हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2024 का पुरजोर समर्थन करती हूँ। मैडम, यह हर देशवासी का सपना है कि वे अपने देश को विकसित देशों की सूची में देखें। लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। महोदया, जनसंख्या स्थिरता के लाभों को गिनने के लिए हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से अपनाया और कुछ दशकों में वह उस स्तर पर पहुंच गया जहां वह आज न केवल जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने में सफल रहा बल्कि नियत समय में वह स्थिति प्राप्त कर ली है जहां वह आज विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा है। महोदया, जब भी कोई विश्व स्तरीय संगठन भुखमरी, भ्रष्टाचार और मानव विकास से संबंधित सूचकांक जारी करता है तो उसमें हम तमाम कोशिशों के बाद भी खुद को शर्मनाक स्थिति में पाते हैं। मेरा मानना है कि समाज में पूरी समस्या अज्ञानता और जनसंख्या नियंत्रण के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण है।
हम विशेष रूप से उन लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं जिनका मानना है कि अधिक बच्चे पैदा कर वे अधिक कमाई वाले हाथ जोड़ रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि अधिक बच्चों का अर्थ उचित रोजगार के बिना अधिक आबादी है। एक राष्ट्र के रूप में देश के सभी वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे समाज का सबसे निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। और चंद पंक्तियों से अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इंसान अकेलेपन में फंसता जा रहा है। माँ बाप के चार बेटे एक सिवर कर एक बुढ़ापा फिर भी लाचारी में कटता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, I am grateful to all the members who have rendered their esteemed support to the bill. I am also grateful to the members who have given their constructive criticism on it. The areas of concern raised by the members of opposition have already been thought and attended to. Now, I expect full cooperation from all the members of the House to pass the bill. The question before the House is that the bill, the Population Control Bill 2024, be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it, the ayes have it. The motion adopted. Now, the question is that clause 2-6 stand part of the bill, but there is an amendment in clause 5 by Ms. Guni. Ma'am, are you moving it? No, madam. The question is, the clause 2-6 stand part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The clause 1. The applicability stands part of the bill. Those who are in favor may say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister of Health and Family Welfare, please. Madam, I move the bill be passed. Minister move that the bill will be passed. Those who are in against favor may say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now, the House will take a tariff number resolution. Mr. Bhupendra Singh to move the resolution. Madam Speaker, I move the following resolution. This House recommends that the government should 1. Take steps to promote sports and games and develop sports infrastructures in the school. And second, also make provisions to create secure career opportunities for sports persons. Mahodaya, हमारे देश में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर सही से ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। आज भी माता पिता पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब के विचार को सही मानते हैं। महोदया, हम 140 करोड़ की आबादी के बावजूद आज तक किसी एक ओलंपिक्स में 10 से ज्यादा पदक नहीं ला सके हैं। आज तक हमारे देश ने कुल 35 मेडल जीते हैं।
जिसमें से 12 तो सिर्फ हॉकी से ही आए हैं। महोदया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर आने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में ऊपर आने का सपना तब तक पूरा होना मुश्किल है जब तक कि स्कूलों पर खेलकूद पर उतना ध्यान न दिया जाए जितना पढ़ाई पर दिया जाता है। Honorable Madam Speaker, I move the resolution for the reason that there is no such law which directly focuses and promotes sports at school levels. I wish one day being a sports person is equally acceptable as being a doctor or engineer for Indian society. India will win podium finishes in Olympics too. Thank you, Madam. Madam Speaker, I would like to congratulate the mover of the resolution, Mr. Bhupen Singh Ji, who spoke for the focusing on a matter of public importance. Madam Speaker, our government has already taken several initiatives like Fit India Movement, Khelo India, Target Olympics Podium Scheme, Mission Olympics 2024, Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, and many more to promote sports and games and concern infrastructure. Madam Speaker, I want the mover of the resolution to know that our government is very much aware about the lack of infrastructure and the attitudinal problem of school system and parents. Government is making sure that all efforts are made in the field of sports and games. NEP 2020, I repeat, NEP 2020 also takes care of holistic development of children by including sports and games. In light of the issues raised by the honorable member, I reiterate the commitment of the government to ensure the promotion of sports and games and development of infrastructure. I first request the member to withdraw the resolution. Thank you, ma'am. Madam Speaker, I am grateful to the honorable member for lending support to my resolution. In view of the goals given by the honorable minister of youth affairs and sports, I may be allowed to withdraw this resolution. Thank you, madam. Has the honorable member moved of the house to withdraw his resolution? Yes. The resolution by leave of the house is withdrawn. Now the house is adjourned. The meeting again tomorrow at 11 a.m. तो ये बच्चों की प्रस्तुति थी युवा संसद के रूप में। उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा? एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन सभी के लिए। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इन बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। सर, यहां से आवाज नहीं आई। जय हिंद बच्चों। वेरी गुड। रियली स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। हेलो बेटा, बॉयज 11th क्लास, आज बैठ जाओ। दो तीन चीजें कहना चाहूंगा यहाँ पे। वन इज दैट कि आज हम लोगों ने जो है कि कैसे एक पार्लियामेंट फंक्शन होती है उसको हम लोगों ने विटनेस किया, कैसे बिल्स को पास किया जाता है, कैसे उस पर चर्चा की जाती है, कैसे मोशन को लाया जाता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने इन बच्चों के माध्यम से देखा, सीखा, समझा। बच्चों, एक का जो संसद होती है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। बहुत सारे जो रूल्स बनते हैं, जो नियमों को बनाया जाता है, उनको बिल्स के माध्यम से जो है पास किया जाता है और फिर उन्हें वो इंप्लीमेंट किया जाता है और उससे ही हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो इन बच्चों के लिए कि इन्होंने बहुत 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 अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बन जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे एक बहुत यूनिक चीज थी कि जो हमारे जो जिन्होंने एक्ट किया हुआ है वो उसमें महिला सांसदों की संख्या ज्यादा थी।
तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये हमारा सपना जरूर साकार होगा, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थर्ड थिंग इज दैट कि इतने कम समय में टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न करना, और ना केवल संपन्न करना बल्कि अच्छे से उसे संपन्न करना, उन टीचर्स और बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक और मेरे अंदर आशा है ऐसी कि आज हम लोगों ने जो देखा हुआ है, जो समझा हुआ है, बहुत आसान होता है कि बोले कि वो नेता बन गए हैं और अपना करते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक और अच्छी चीज है जो यहां पे हमने देखी हुई थी, वो है डाइवर्सिटी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो उन्होंने ओथ लिया हुआ था तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से थे, और यही हमारी इस इंडिया की खूबसूरती है, इस हमारे देश की खूबसूरती है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि सारे के सारे लोग मिलकर अपने अपने जगह का प्रतिनिधित्व करके इस देश को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा आशा है कि इनमें से बच्चे जो होंगे या आप में से जो बच्चे होंगे वो वाकई में संसद में जाएंगे, और जो कहा जाता है कि हमारा जो इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री ना होकर डेवलप्ड कंट्री में उसके नाम को कन्वर्ट करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आशा ही नहीं केवल उम्मीद भी, मतलब विश्वास भी है कि हमारे इन्हीं बच्चों में से जाके ऊपर जो है इस देश का नाम और आगे रोशन करेंगे। अगेन नॉट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि मैं आपके और आपके लंच के बीच में खड़ा हो रहा हूं, ठीक है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू दोस्त हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, एंड अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट टू स्पेशली टू अभिषेक सर, यू हैज टेकन अ ग्रेट पेन टू कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।